सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज दिखाते हैं आप लोग को कि मेरा घर में अभी क्या क्या बन रहा है। तो फिलहाल अभी लाइन कट गया पहला बात बोलते हुए, तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करो। अभी मेरा फ्लैश लाइट जल के ना अभी ब्लॉग को हम शूट कर रहे हैं, तो चलो दिखाते हैं कि मेरा घर ना आज बन रहा है गाजर का हलवा देसी तरीके से। तो चलो आप ब्लॉग को कंटिन्यू देखो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि गाजर को ना अभी घर्रा जा रहा है, वो भी देसी तरीके से। देखो थाली था, वो थाली को छेद कर दिया गया उल्टा साइड से और इसी से अभी गाजर को घर्र रहे हैं। तो गाइस अभी हुआ ये कि सूजी थोड़ा सा कम पड़ गया है, थोड़ा सा ज्यादा लाना पड़ेगा। तो अभी चलो पहले हम दुकान चलते हैं सूजी लेने के लिए, उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और फिर बनाएंगे। लाइट भी अभी कट चुका है, तो चलो अभी पहले दुकान से लाते हैं, पहले खरीद के उसके बाद फिर ब्लॉग को हम करते हैं कंटिन्यू। तो ब्लॉग में आज आप पूरा जरूर देखे यार, जरूर देखे। कैसे रुपये किलो हो? कितना वाला पैकेट? कितना के हो? 10 रुपये का दे। हाँ तो दे, ठीक। केन ला छ? हाँ तो दे। तो फिलहाल गाइस हम आ चुके हैं दुकान से अभी खरीद के, देखो। तो चलो अभी इसको फिर से फ्राई करना है, तो चलो फ्राई करने के लिए डालते हैं। तो गाइस देखो कि यहाँ घी डला चुका है और अभी संजोग से देखो कि जब तक मैं दुकान गया तब तक लाइट भी आ चुका है। तो अभी यहाँ घी गर्म हो रहा है और इसमें अभी डाला जाएगा सूजी को, जो मैंने अभी दुकान से तुरंत ही खरीद के आया है। एक पौवा हाँ तो गाइस देखो गाजर को ना मस्त तरीके से ना इसको चूर्ण तरीके से ये करके और यहाँ पे रख दिया गया, देखो इतना सारा। गाइस यहाँ पे देखो कि गाजर भी ना फ्राई हो चुका है, देखो इसमें गाजर था ये भी फ्राई हो चुका है, उधर सूजी था वो भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें दूध डलाएगा और दूध गर्म करके उसके बाद फिर दूध में ये फिर इसको डाला जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे ना दूध को गर्म किया जा रहा है और डायरेक्ट उसी में डाल दिया जाएगा और इसको भी उसी में डाल दिया जाएगा, सब मिक्स करके और मस्त वाला गाइस अभी हलवा यहाँ पे बन रहा है। तो गाइस अभी मम्मी कुछ बोल रही है, बोल दीजिए। जिसको खाना होगा वो आ जाता है, आ जाओ यार, मम्मी जब बोल दी तो आ जाओ। तो गाइस हलवा यहाँ बन चुका है, जिसको जिसको भी खाना है घर में बना के खा लेना, काहे कि हम देने वाले नहीं है। इसीलिए जिसको जिसको खाना होगा पूरा प्रोसेस देख लो कि कैसे बनाया जाता है, और अपना घर में बना और एक थारी खा लो, काहे कि हम गरीब आदमी हैं, हम एक थारी अपने खाते हैं। इधर रोटी बन रहा है, देख सकते हो रोटी भी जर गया है। और इधर देखो गाइस, इधर अभी रोटी बेला रहा है लेकिन गोल गोल अभी नहीं हो रहा है। पापा इधर रोटी बेल रहे हैं, मम्मी उधर बना रही है, और इधर है आपका राजो ब्लॉग जो खाली पैंतरा दे रहा है। तो यही शुभ अवसर पे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ऐसे पैंतरा वाला वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी टेस्ट करके देखने के कि कैसा बना है। बहुत मस्त है, आप लोग भी खा लो। बहुत मस्त है। तो चलो गाइस फिलहाल अभी हम लोग खा रहे हैं, इधर मम्मी इधर पापा जी, बीच में हम बैठे हैं और अभी बिंदास हम लोग रोटी और ये हलवा, अभी रोटी और हलवा खा रहे हैं। बहुत टेस्टी बना है। वाह। तो पागल पूरा मौज हो रहा है। बापा,
तो इन लोग को हंसी भी आ रहा है गाइस। पहले साल बाद के रेल तुम तैयार थी ले ले लियो करने खीर बना रही थी तीनों जन कहा थी कहे कि ना मेरा रिलेटिव लोग बहुत ज्यादा मेरा ब्लॉगिंग देखता है ना तो उन लोग मम्मी पास जाके बोलता है कि ये है सब बेटवा करो। हा फिलहाल लाइन वो कट गया।